कृष्ण पादु घोरांधकार निशिथे श्यामापुरे प्रविष्ट भ्रांत्या चुम तस्या स्वामी लपने भ्रांत्या चुंबति तस्या स्वामी लपने शीघ्रं धृत्वा पाणिनो शीघ्रं धृत्वा पाणिनो आकर्ष्यात् चन्द्रकिरणेन सहसा अतिमन्मधिकं दृष्ट्वा सा माता जराति पलितचिकुरा अस्थिकरा वर्धयो अस्थिकरा वर्धयो कृष्ण पादो घोरांधकार निशिथ श्यामापुरे प्रविष्ट भ्रांत्या चुंबति तस्या स्वामी लपने शीघ्रं धृत्वा पाणिनो पाणिनो आकर्ष्यात् चंद्र किरणेन सहसा तिमन्मधिकं दृष्ट्वा सा माता जराति पलितचिकुरा अस्थिकरा वर्धयो अस्थिकरा वर्धयो अस्थिकरा वर्धयो। एक दिन अमावस्या का राति में निशार्ध राति में कृष्ण भगवान राधा का मंदिर में प्रवेश किए और भूल वशतः भ्रम वशतः राधा समझ के उनका पति चंद्रसेना का मुख में एक चुम्मा दे दिया। चंद्रसेना उठ पड़े और दोनों बाहों को पकड़कर कृष्ण भगवान को घिसारते लाए बाहर को। रात का रोशनी से देखे, अरे ये तो सर पे पक्के हुए बाल, दांतों दो चार दांत नहीं, ऐसे हाड़ सब दिखाई पड़ता है, पतले दुबले शरीर मेरा माँ है। बोले मम्मी माथा टेके, बेटा तू तो हर दिन जाते, भगवान कृष्ण बोले बेटा तू तो हर दिन जाते हो, दिन में तुझे देखते नहीं बेटा, माँ के लिए बेटा को छोड़कर और कोई कुछ प्यारा चीज़ है, इसीलिए मैंने तुरंत चुम्मा दिया। भगवान बोले मैं वो तो समझ नहीं पाए भगवान का माया को। भगवान बोले आज मेरा बड़ी विपद दूर हो गया। चंद्रसेना जब मुझे भले भले पहचान लिया, ये श्याम सुंदर है, तो मुझे एड्रेस भी भूल जाना पड़ता था। वह
बहुरूपधारी माया मायामय कृष्ण भगवान जिसको चंद्रसेना माँ समझकर प्रणाम किया, वही भगवान आज दीपावली अमावस्या का दिन में हमारा सबका जीवन का अंधेरा हटाकर जीवन में शुद्ध ज्योति जलाएं और हमें रोशनी प्रदान करें, ज्ञान का रोशनी, और प्रभु सबका भला करें। जय सिया राम और जय राधे श्याम।